नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी महतपुर एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिक्षक साथियों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के बारे में। जी हां साथियों, शिक्षक साथियों का एक प्रश्न लगातार आ रहा है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, तो उन्होंने जानना चाहा है कि इस मैसेज में कितनी सच्चाई है। साथियों, आप मेरे साइड में एक व्हाट्सएप मैसेज देख रहे होंगे, इसमें लिखा है बिग ब्रेकिंग, जिन शिक्षक साथियों के ट्रांसफर आदेश जारी हो गए हैं और ये अनिवार्य रूप से रिलीव किया जाएगा, डीपीआई सभी डीईओ कार्यालय से डेली रिपोर्ट लेगा, रिलीव नहीं करने अकारण परेशान करने पर नपेंगे संबंधित अधिकारी, जो शिक्षक रिलीव होने में आनाकानी करते हैं उनके विरुद्ध भी होगी कार्रवाई एवं अनिवार्य एक तरफा कार्य मुक्ति, सीएम राज मॉडल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को भी 15 दिवस के अंदर कार्यमुक्त करने पर भी शिक्षक कर्मचारी संगठन और डीपीआई के माध्यम से सहमति बनती नजर आ रही है। यदि ऐसा होता है तो शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी और स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार बिना मानवीय हस्तक्षेप के होने वाले स्थानांतरण शासन के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों में से एक होगा। तो ये मैसेज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और शिक्षक साथी इसे लेकर लगातार हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि सर इस मैसेज में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज वायरल हो जाता है, विशेष रूप से जो बहुत ज्यादा शिक्षकों के हित में हो या फिर उनके एंटी हो, ऐसे मैसेज एक तरफा वायरल होते हैं। तो इस मैसेज में फिलहाल में मुझे कोई भी सत्यता नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियोज में बताया भी है कि जो शिक्षकों की कार्य मुक्ति है उस पर बड़ा फैसला हो सकता है, उत्कृष्ट विद्यालय सीएम राइज विद्यालय और मॉडल स्कूल के शिक्षकों को भी रिलीव किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यदि हम इस मैसेज की बात करें तो इससे बहुत सारे शिक्षक साथियों को काफी राहत मिलती नजर आ रही है और बहुत सारे शिक्षक साथी इससे नाखुश भी हो सकते हैं, जो कि ट्रांसफर होने के बाद भी अन्य संस्था पर जाना नहीं चाहते। ऐसे शिक्षक साथियों के लिए एक तरफा कार्य मुक्ति एक झटका भी हो सकती है। हालांकि इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि संस्था प्रमुख ऐसे शिक्षक साथियों को परेशान भी कर रहे हैं जिनके ट्रांसफर आदेश हो चुके हैं, भाई उन्हें कार्य मुक्त करने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि उनका यह हक बनता ही नहीं है कि वह डीपीआई द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अगेंस्ट जाकर उनको कार्य मुक्ति देने से रोकें। हालांकि कार्य मुक्ति देने का काम भी संकुल प्रभारी का है, संकुल प्रभारी अपने स्तर से सभी शिक्षक साथियों को रिलीव करेंगे, तो ऐसे में संस्था प्रमुखों को भी ये फेवर करना चाहिए। फिलहाल मुझे इस मैसेज में कोई भी सत्यता नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। और मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया भी है कि जो सीएम राय उत्कृष्ट और मॉडल के शिक्षक हैं उन्हें भी कार्य मुक्ति पर राहत मिल सकती है और जल्दी इस पर कोई बड़ा अपडेट मिलने वाला है। तो साथ ही ये था आज का लेटेस्ट अपडेट, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।